नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज। मैं आपके साथ मौजूद हूँ शोभा फातिमा, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है विपिन यादव, जो कि कृष्णा नगर कॉलोनी अकबरपुर अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। उन्होंने हाल ही में कंपनी हल्दीराम भुजिया वाले से अपनी कुछ व्यवसायिक से संबंधित सामानों को मंगवाया, जिनकी होलसेल उनके दुकान तक आई, माल मंगवाया गया जो कि 10 लाख रुपए का सामान था। और जब माल आया तो प्रार्थी ने दिखा कि माल एकदम घटिया क्वालिटी का है, और जब उसको रिटर्न में डाला तो उनके पैसे सारे के सारे फंस गए। हमारे साथ मौजूद है आपका, क्या ये पूरी घटना है, किस तरह से आपके व्यवसाय में पूरी पूरी गिरावट आ गई, क्या दिक्कत है, आपको पूरी पूरी जानकारी बताइए। मैम, ऐसा है, अप्रैल महीने में जदुनाथ पटेल नाम के ASM पद कह के अपने आप को जो है वो हमसे मिलने आए, हमको बताएं ऐसी कंपनी है, हमारी अच्छी कंपनी है, आपको प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा मिलेगा, जैसे हल्दीराम का प्रोडक्ट है उसी तरह से हमारी भी प्रोडक्ट है। तो हम कहे ठीक है, सारी बातें उनको हमने समझा, उसके बाद हमने एग्रीमेंट की बात की, तो वो हमसे कहने लगे जब तीसरी गाड़ी आएगी उसके बाद स्वाभाविक है आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। तो हम जो है ठीक है, तो यहाँ ये हाल है, तीसरी गाड़ी की पहली ही गाड़ी में माल उनका गड़बड़ आया। हम जैसे इस ज़िले के सुपर स्टॉकिस्ट हैं, हमारे अंडर में मान लीजिए 8 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे ब्लॉक वाइज या फिर 10-15 किलोमीटर के रेंज में, फिर जो है उनके पास हमारा माल गया, जब उन्होंने रिटेलरों के यहाँ सप्लाई किया तो रिटेलरों के यहाँ से सारे माल अब जो है इसी कमी माल, मुलायम होना, घटिया क्वालिटी का माल होना, खाने योग्य न होने के कारण वापस आ गया जी। तो आपने जो रिटर्न भरी फिर आपके पैसे रिफंड नहीं हुआ अभी तक, उसकी क्या दिक्कत? मैम, ऐसा है कि कंपनी के कोई भी एम्प्लॉई अब तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर किसी का गलती से फ़ोन भी उठ गया तो इतना उल्टा बोलेंगे, अपशब्द का प्रयोग करेंगे कि स्वतः हमको फ़ोन रख देना पड़ता है। कंपनी के EMD का नंबर भी हमारे पास है, उनके पास मैंने मैसेज किया, उन्होंने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। क्या ये डिस्ट्रिक्ट के एरिया में सिर्फ मतलब बाकी लोगों की या आप ही की दिक्कत है या और लोगों को भी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, जिससे जितने लोग हमसे जुड़े हैं सब इससे पीड़ित हैं। टांडा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बने, जलालपुर में बने, जहांगीरगंज में बने, और कटहरी में बनने वाले थे, वो जब सारी समस्या सुने उन्होंने मना कर दिया, कहें भैया इसके साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, इस वक्त तरह की मदद आपको चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूं कि इस कंपनी की खिलाफ जो है FIR दर्ज करके जांच की जाए कि या क्या कंपनी सही है, लीगल है, जैसा भी हो कंपनी अपने प्रशासन अपने हिसाब से जांच करके और हमारी मदद करे, हमारी FIR दर्ज कर ले। तो आपने कोई स्टेप्स आगे फॉरवर्ड अपनी तरफ से बढ़ाया कि किस तरह की मदद करे सरकार? जी मैम, मैंने मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है ऑनलाइन FIR दर्ज कर दी है, जो जिसका स्टेटस मौके पे हमारे नगर कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकर नगर में आ गया है। ये थे विपिन यादव, जो कि अपनी पूरी समस्या हमें बता रहे थे। सरकार से पूरी पूरी उम्मीदें इनकी लगी हुई हैं कि सरकार इनके हित में ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई स्टेप्स बढ़ाएगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANN न्यूज़।